जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम होने वाले हैं हमारे जनवरी में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के। तो दोस्तों, अगर आपने एम ए एम कॉम एम एस सी के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया था तो इसका जो टाइम टेबल अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है। एम ए एम कॉम एम एस सी थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ गया है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी आ गया है, यू टी डी स्टूडेंट के लिए भी आ गया है। दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पर टाइम टेबल अनाउंस कर दिया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, चलिए टाइम टेबल की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर लिखा गया है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, ठीक है। अभी जो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉलेज स्टूडेंट का बता रहा हूँ, यानी कि एपीएससी यूनिवर्सिटी संबंध जो भी कॉलेज होते हैं उन कॉलेज में एडमिशन लिया है उन स्टूडेंट के लिए। इसके बाद में अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है, यानी कि आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया, उनके लिए मैं अलग टाइम टेबल बताऊँगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो हमारे जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं 17 जनवरी से 9 बजे से 12 बजे तक होंगे। रेगुलर प्राइवेट एटीकेटी सभी स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल रहने वाला है। ये जो टाइम टेबल है वो एम ए थर्ड सेमेस्टर का है। तो 17 जनवरी से आपकी परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमारी 19 जनवरी को परीक्षा होगी। इसके बाद आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो 21 जनवरी को होगी। इसके बाद 24 जनवरी को आपकी परीक्षा इन सब सब्जेक्ट की होने वाली है। इसके बाद में अगर हम दोस्तों देखें, 25 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी और इसके बाद 29 जनवरी, 31 जनवरी के बाद में 1 फरवरी को हमारे एम ए के सभी एग्जाम समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम कॉम थर्ड सेमेस्टर का। तो एम कॉम थर्ड सेमेस्टर के भी यहाँ पर 17 जनवरी को एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 17, 19, 21, 24 जनवरी को यहाँ पर सभी एग्जाम जो कि समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें एम एस सी थर्ड सेमेस्टर, तो एम एस सी थर्ड सेमेस्टर के भी यहाँ पर 17 जनवरी को एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 17 के बाद 19 जनवरी को चलेगा, 21 जनवरी, 24 जनवरी, 25 और 27 जनवरी। इसके बाद में 28 जनवरी, 29 जनवरी, 31 जनवरी को यहाँ पर सभी एग्जाम समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें एम एच एस सी, तो एम एच एस सी के भी 17 जनवरी को 9 से 12 बजे के बीच में चलेंगे। 19 जनवरी, 21, 24 जनवरी तक यहाँ पर सभी एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। एम एच डब्ल्यू के भी 17, 19, 21, 24 जनवरी को यहाँ पर एग्जाम चलने वाले हैं। इसके बाद एम बी ए का है, एम बी ए थर्ड सेमेस्टर का भी यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें एल एल एम के भी 17 जनवरी को यहाँ पर शुरू हो जाएंगे सभी एग्जाम। एम एस सी बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पर 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एम एस सी कंप्यूटर साइंस के 17 जनवरी, 19, 21, 24 जनवरी, 27 जनवरी तक चलने वाले हैं। इसके बाद एम एस सी बायो केमिस्ट्री के 17, 19, 21, 24 जनवरी को चलेंगे। ये जो पूरा टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, लगभग 15 पेज का, इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यूटीडी टाइम टेबल की तरफ भी चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के यूटीडी टाइम टेबल की तरफ आ चुके हैं। यूटीडी मतलब आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया है, तो उन स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि सीबीसीएस परीक्षा कार्यक्रम, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के परीक्षा कार्यक्रम। यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं सीबीसीएस का। तो सबसे पहले जो टाइम टेबल हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो कौन सा है, ये दोस्तों एम ए का, एम ए बिजनेस इकोनॉमिक्स 17 जनवरी से 24 जनवरी। एम बी ए का इसके बाद में बात करें तो 17 से यहाँ पर 29 जनवरी तक एग्जाम चलेंगे। इसके बाद एम बी ए का भी है 17 जनवरी से 24 जनवरी तक, अलग अलग ब्रांच के हैं। एम एस सी का यहाँ पर 17, 19, 21, 24 जनवरी है। इसके बाद में अगर हम बात करें एम एस सी बायोटेक्नोलॉजी 17, 19, 21, 24, एम एस सी कंप्यूटर साइंस 17, 19, 21, 24, 27 जनवरी। इसके बाद एम ए जो एम एस सी बायो जो कि बायो केमिस्ट्री का है, यहाँ पर 17, 19, 21, 24 जनवरी को चलने वाला है। इसके बाद एम एस सी का है मैं यहाँ पर कंप्यूटर का 17, 19, 21 जनवरी। एम एस सी माइक्रोबायोलॉजी 17, 19, 21, 24 जनवरी का है। यहाँ पर एम बी ए का है, यहाँ पर सभी अलग अलग ब्रांच के अलग अलग टाइम टेबल दिए गए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं एम एस एम सी ए थर्ड का भी यहाँ पर 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। एम एस सी फिजिक्स के भी यहाँ पर 17, 19, 21, 24 जनवरी तक एग्जाम चलने वाले हैं। एम एस सी मैथमेटिक्स के भी यहाँ पर 17, 19, 21, 24, 27 जनवरी तक चलेंगे। एम एस सी केमिस्ट्री का भी 17, 19, 21, 24 जनवरी। एम बी ए का 17, 19, 21, 24 जनवरी को यहाँ पर टाइम टेबल रहने वाला है। इसके बाद एम एस डब्ल्यू का भी है, एम ए हिंदी का भी है, एम ए इंग्लिश का भी है, एम ए यहाँ पर एम ए एच एस सी का भी दिया गया है। सभी के जो 17 जनवरी से ही होंगे। एम ए फिलोसफी का है, एम ए का भी है, साइकोलॉजी का भी है। इसके बाद में एम ए योगा का है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर बी बी ए का भी यहाँ पर टाइम टेबल दिए गए हैं, तो सभी के 17 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। बी एस सी होम साइंस, बी एस सी होम साइंस माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, और यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, तो सभी सब्जेक्ट के सभी ब्रांच के अलग अलग टाइम टेबल यहाँ पर दिए गए। आप अपना देख लीजिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसको प्रोवाइड करा दिया है। तो उम्मीद करना पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय।